चलिए ये मैदा, मैदा क्या क्या डाल दिए है? बटर। बटर। अच्छा डो बना दी इसको। ओके ओके ओ सॉफ्ट ना। अच्छा वाह पता सही दिख रहा बटर है। नहीं चीज। अच्छा पैक कर दिए इसको। ओके वाह वाओ ये तो मस्त। सही। सो काफी सिंपल रेसिपी है। तो सबसे पहले हम ले लेंगे बटर, नहीं सबसे पहले मैदा लेना है। तो मैदा ले लेंगे, ये देखो ओके इस तरीके से इतना मैदा ले लेते हैं। अब इसमें डालना है थोड़ा सा सॉल्ट। इसमें थोड़ा, ओके बेटा हर चीज घुमाने वाली नहीं होती है, पूरा सोहाल गिरा दिया यार। नहीं यार ये ये इसमें क्या, गड्ढे थे तो मुझे पता ही नहीं था। कहाँ से निकलता है सॉल्ट? अच्छा ठीक है थोड़ा सा सॉल्ट डाल देते हैं। हाँ बस हो गया तो इसके बाद हम लेंगे थोड़ा सा बटर। बटर। ये देखो बटर कितना सही लग रहा है ना। ये डाल देते हैं बटर, बस थोड़ा सा मिल्क। मिल्क, और इसको करना है डो। अब इसको अच्छे से मिला लेते हैं। इसको अच्छे से ऐसा मिला लेते हैं। ठीक है ये हो गया मिस्क, मिक्स हो गया। ये हर बार यार ओके मिक्स ही निकलता है मुझसे। थोड़ा सा सोडा डाल देते। हो गया ओके हाँ सोडा इसका। अब बना लेंगे अच्छे से डो। हो गया अभी अच्छे से, मतलब डो बन गया इसका। अभी इसको हम बट नहीं, ये अपना टिश्यू टिश्यू पेपर पेपर से से इसको अच्छे ढक से देंगे ऐसा ढककर रख देंगे। 5-10 मिनट ना। ठीक है और इसको रख देते 15 मिनट के लिए। सो लगभग ये हो गया है। तो इसको अभी निकाल लेंगे। हो गया ना ऐसा। हाँ ये अब इसको ना ऐसे स्प्रेड करना है जैसे पिज्जा बिज बनाते हैं ना, बस वैसा। तरीके से ना को यस अच्छे से ऐसे कर देंगे इसको पूरा ओके स्प्रेड। स्प्रेड। अब बस इसके ऊपर वो बटर बटर और लगा देंगे। और वो क्या था वो मेरे को नहीं समझा, वो हरा, ग्रीन था हरा सा। क्या था वो नहीं इसलिए समझी। बटर ही लगाएंगे यहाँ पर इस तरीके से। ओके ये इसको देखो अच्छे से हमने बटर लगा दिया इसमें। अब यहाँ हाँ पे डालना है हमको चीज। तो चीज देखो पूरा चीज चीज चीज। ये इसको भी इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। ये देखो ओके अच्छा और इसको इसको पैक कर दबा देंगे। लेना ऐसे करंजी। ये अपने इधर वो करंजी बनती है देखो। उसके जैसे दिख रही है। इसको हाँ शेप दे देते हैं ना। फिर उसको वहाँ पे ऐसा अलग कलर आएंगे तो मस्त दिखेंगे ना ये अभी ये इसको लाइन दे दिया। अब इसको डालेंगे ओवन में। ओवन में। ए वाह कितना सही दिख रहा है ना, पूरा अरे फूल गया फूल भी है। चीज गया भी सब बाहर दिख आ रहा गया। है। चलो अब हाँ इसको निकाल लेते हैं। तो काफी लजीज दिख रहा है। इस पे थोड़ा बटर लगा देते हैं और ऊपर से ऊपर से। ये देखो सो चलो अभी इसकी बारी आएगी। इसको भी वाह कितना सही है। तोड़ते। वाह बहुत वाओ ओके सही बना। अब इसको टेस्ट करेंगे ना। अभी टेस्टिंग की बारी है। वहाँ पर बहुत गर्म है। ये देखो वाओ कैसा इसको टेस्ट करते हैं। लगा? पूरा रियल ब्रेड कुकी सॉल्टेड कुकी जैसा बरोबर। बस कुकी थोड़ी। कुकी जैसा। हाँ सॉल्टेड कुकी बहुत सही लग रहा है लेकिन। हाँ